एक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स प्लांट दे आर कॉल्ड एक्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉर द फूड्स बिकॉज द प्लांट हैव नो क्लोरोफिल दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कंप्लीटली डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑफ फोर टाइप्स लाइक द पैरासाइट सैप्रोफाइट सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट the parasitic plants which are those plants which have no chlorophyll and they are dependent on the other plants. See, there's two things. One is host and another is parasite. Here, see, the structure is, these are the curve-like structure, coiling structure, they are the parasites. They parasite are wrapped over, ये parasite जो हैं, दूसरे पर लिपटे हुए रहते हैं. Parasites खाना इसी host से लेते हैं. Parasite जो plant है, पैरासाइट जो प्लांट है वो ये होस्ट का टीएस है ट्रांसवर्स सेक्शन. होस्ट पर एक हस्टोरिया नाम का सेलुलर स्ट्रक्चर है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर. हस्टोरिया से ये पैरासाइट प्लांट टेक द फूड एंड ग्रो. नाउ द क्वेश्चन राइजेज हाउ द पैरासिटिक प्लांट स्प्रेड. क्योंकि पैरासिटिक प्लांट का जब ग्रोथ होता है तो उसमें फ्लावर भी आते हैं, फ्लावर में सीड आते हैं और ये सीड जो है सो दूसरे प्लांट पर जाकर पुनः हस्टोरिया का निर्माण करता है. हस्टोरिया इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर विच ड्रॉ द फूड फ्रॉम द प्लांट. ये प्लांट से खाना शोषण करता है, प्लांट से जो भी विटामिन मिनरल फूड्स जो कुछ भी है वो धीरे धीरे अवशोषित करके ये पूरे प्लांट में भेजते रहता है. दिस इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. नाउ द क्वेश्चन राइजेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट्स. स्टेम पैरासाइट, देयर आर ऑल्सो सम प्लांट लाइक द ब्रिंजल. यू सी दिस इज द प्लांट ऑफ ब्रिंजल. नाउ द ब्रिंजल प्लांट हैव ए अनदर टाइप ऑफ पैरासाइट दैट इज द ओरोबैंकी. ओरोबैंकी इज ऑल्सो ए पैरासिटिक प्लांट. द सेम थिंग हियर, इट इज द हस्टोरिया. हस्टोरिया टेक द फूड फ्रॉम द दिस प्लांट एंड द प्लांट इज अलाइव. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अनदर प्लांट. अनदर पैरासाइट इज रेफलेसिया. रेफलेसिया इज द पैरासाइट. ये पता होना चाहिए कि रेफलेसिया जो है सो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है. द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज रेफलेसिया. पैरासिटिक प्लांट में बना बनाया हुआ खाना हस्टोरिया से लेता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है. क्यों लेता है पैरासिटिक प्लांट? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है. जबकि पिछले चैप्टर में हम देखे कि फोटोसिंथेसिस वहीं होता है जहां क्लोरोफिल है. इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिसके कारण ये खाना खुद बनाता है. दूसरा जो प्लांट है वो है सैप्रोफाइट. सैप्रोफिटिक प्लांट
ये प्लांट, ये पौधा जो है सड़े गले पौधों पर उगता है, इसमें रूट का अभाव होता है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड को हम लोग माइसीलिया कहते हैं। माइसीलिया जो है सो धीरे धीरे अवशोषित करता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सड़े गले पदार्थ में न्यूट्रिएंट्स हैं, भोज्य पदार्थ है, पोषक तत्व है, उन पोषक तत्वों को ये सोखते रहता है। कौन सोखता है? माइसीलिया, और इस पौधे का निर्माण करता है जिसको हम सैप्रोफाइट कहते हैं। चूंकि माइसीलिया जो है सो सड़े गले पौधों में पाए जाने वाले पोषक तत्व प्लस जल, ये धीरे 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 सप्लाई करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फंजाई, मशरूम, अगैरिकस। ये मशरूम है, मशरूम को हम सैप्रोफाइट कहते हैं। अनदर प्लांट थर्ड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट हैज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम यूट्रिकुलेरिया कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया पानी में पाए जाते हैं, वैसे तालाब जहां पानी में नाइट्रोजन की कमी रहती है, वैसे जल में यूट्रिकुलेरिया का जन्म होता है। यूट्रिकुलेरिया है जे बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच ए इंसेक्ट इंटर्स। क्या है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर में कोई भी इंसेक्ट इंटर कर जाता है, सी यही इंसेक्ट है। और इसमें पाए जाने वाले हेयर्स इंसेक्ट को मार देता है, और धीरे धीरे इंसेक्ट को मर जाने के बाद इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधों के द्वारा अवशोषित होता है। द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एंड स्लोली दे आर सप्लाइंग टू द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। दिस इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ऑल्सो फाउंड इन द लैंड। दीज प्लांट्स हैव द These plants has the needle-like structure. प्लांट में needle-like structure होता है, जो प्लांट में पाए जाने वाले विषैले तत्व आर बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर द किल्स द इंसेक्ट। वैसे इंसेक्ट जो इस पर बैठते हैं वो मर जाते हैं, और जिसके कारण प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। सवाल ये उठता है कि नाइट्रोजन जितने एंजाइम्स हैं, जैसे ये एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम्स रेस्पिरेशन में काम करता है। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन से ऊर्जा मिलती है। द प्लांट इज गेटिंग एनर्जी बाय द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का जरूरत है, जिसके कारण नाइट्रोजन जरूरत है। दूसरा, हार्मोन्स, प्लांट के ग्रोथ के लिए हार्मोन जरूरी है। ये हार्मोन और एंजाइम्स धीरे धीरे प्लांट को ग्रोथ करवाते हैं, उसमें फ्लावर आते हैं, और डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म को अंजाम देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि
कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम देख चुके हैं, सच एज पैरासाइट प्लांट, सैप्रोफाइट प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड फोर्थ इज द सिम्बायोटिक प्लांट। द सिम्बायोटिक प्लांट इज लाइकेन, अरेंजमेंट ऑफ एल्गी एंड फंजाई, अरेंजमेंट ऑफ एल्गी और फंजाई टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद करते हैं, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। सिम्बायोटिक, सिम बायो मीन्स लाइफ, सिम मने हेल्पिंग टू ईच अदर, वैसा लाइफ जो एक दूसरे को मदद करता है, दैट इज सिम्बायोटिक प्लांट, और इसे हम लाइकेन कहते हैं। लाइकेन इज द रिस्पॉन्सिबल टू को एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। लाइकेन में अल्गी और फंजाई एक दूसरे को मदद करते हैं ताकि जीवन की गाड़ी को ये आगे बढ़ा सके, दैट इज क्रस्टोज लाइकेन। ये पहाड़ के सतहों पर पाए जाते हैं, कुछ लाइकेन पेड़ के छालों पर भी पाए जाते हैं। लाइकेन इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन।